हेलो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, क्या आपको फ्राइड फूड खाना पसंद है या फिर आपको फास्ट फूड खाना पसंद है? लेकिन दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो ज़्यादातर फास्ट फूड बनते हैं वो ऑयल में बनते हैं, और दोस्तों ज़्यादा ऑयल कंजप्शन सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता, क्योंकि वो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाता है और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करता है। लेकिन दोस्तों, फिर भी आप अगर चाहते हैं फ्राइड फूड खाना, वो भी बिना ऑयल के या फिर बहुत ही कम ऑयल यूज़ करें, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको खरीदना पड़ेगा एक अच्छा सा एयर फ्रायर, और अगर आप भी सोच रहे हैं एक अच्छा सा एयर फ्रायर खरीदने की और इसीलिए इस वीडियो पे आए हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इंडिया में मिलने वाले 6 बेस्ट एयर फ्रायर के बारे में। मैं आपको उनके फीचर्स बताने वाला हूं, उनमें आपको क्या क्या चीज़ें अलग मिलती हैं, उस पर आपको कितनी वारंटी मिलती है, कितनी उनकी प्राइस होने वाली है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और आज की वीडियो में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि एक एयर फ्रायर के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं और उनको ख़रीदने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जिससे हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और आपको भी इसी तरह की किचन रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर दोस्तों पहले बात करें कि एक एयर फ्रायर काम कैसे करता है, तो एयर फ्रायर के अंदर आपको हीटिंग एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि उसके टॉप में लगे हुए होते हैं, और उसमें आपको एक पावरफुल फ़ैन देखने को मिलता है। तो जब हीटिंग एलिमेंट गर्म होता है तो वो फ़ैन भी ऑन हो जाता है और आपका जो फूड आइटम होता है उसके ऊपर गर्म हवा को थ्रो करता है, जिससे कि जो आपका खाना है या फिर फूड आइटम है वो एयर फ्राई हो जाता है। और दोस्तों, कोई भी एयर फ्रायर में आप बिना ऑयल के भी फूड आइटम कुक कर सकते हैं, और 10 या 20% ऑयल उस पर लगा के या फिर हल्का सा उसके ऊपर ऑयल स्प्रे करके भी उसमें एयर फ्राई कर सकते हैं, जो कि अगर आप कंपेयर करें डीप फ्राई से तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। अब अगर बात करें एडवांटेजेस की कि एक एयर फ्रायर के एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो दोस्तों एयर फ्रायर जो होता है, अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का एयर फ्रायर खरीदते हैं तो उसमें आपको काफ़ी अच्छी पावर वॉटेज देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी इफेक्टिवली काम करता है और आपको काफ़ी फास्ट फूड आइटम्स को एयर फ्राई करके देता है। इसमें आपको एक छोटा सा चैम्बर देखने को मिलता है जिसके अंदर अपने फूड आइटम्स को रखते हैं, जिसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है और इवनली आपके खाने को वो करती है। और सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है वो तो यही होता है कि इसके अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा कम लगता है या फिर ना के बराबर लगता है। दोस्तों, जो एयर फ्रायर होता है उसको आप एक नॉर्मल OTG ओवन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप इसमें बेकिंग, ग्रिलिंग, टोस्टिंग, रीहीटिंग, रोस्टिंग एट्सेट्रा भी कर सकते हैं। तो एयर फ्रायर में आप बहुत सारी चीज़ें कुक कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों, ये एडवांटेजेस थे, कोई भी एयर फ्रायर खरीदते हैं तो ये आपको ज़रूर पता होने चाहिए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंडिया में मिलने वाले 6 बेस्ट एयर फ्रायर्स के बारे में। दोस्तों, नंबर 6 पे है अमेरिकन माइक्रोनिक का एयर फ्रायर। इसमें आपको मिलती है 6.5 लीटर की कैपेसिटी। अगर आप कन्फ्यूज़ है कि कितनी कैपेसिटी का आपको एक एयर फ्रायर खरीदना चाहिए, तो मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी कैपेसिटी का आपको एयर फ्रायर खरीदना चाहिए आपकी फैमिली के साइज़ के हिसाब से। इसमें आपको मिलती है 1700 वाट की पावर। ये दोस्तों मैक्सिमम या फिर पीक पावर है। आप जैसे अलग अलग मोड्स इसमें यूज़ करेंगे तो इसकी जो पावर कंजप्शन है उसको कम भी कर सकते हैं 1700 वाट से। इसमें आपको डिजिटल कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं और इसमें आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं अप टू 200 डिग्री सेल्सियस तक। इसमें आपको 8 प्रीसेट मेन्यू मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसमें आपको अमेरिकन माइक्रोनिक की टर्बो टनल फ्रेश टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। दोस्तों, जितने भी एयर फ्रायर मार्केट में आते हैं सबका काम करने का तरीका लगभग सेम ही होता है, लेकिन हर कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी का अलग नाम रख देती है। इसमें आपको ऑटो शट ऑफ का फीचर देखने को मिलता है, यानी कि आप कुछ देर तक इसको यूज़ नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली शट ऑफ हो जाएगा, जिससे पावर सेविंग भी होगी। इसमें आपको डिश वॉशर सेफ बास्केट देखने को मिलती है, तो अगर आपके घर पर डिश वॉशर है तो आप इसकी जो फूड बास्केट है उसको डिश वॉशर में आराम से क्लीन या वॉश कर पाएंगे। इसमें आपको मिलती है 2 साल की कंप्लीट वारंटी और 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी इसकी हीटिंग कॉइल पे, मोटर पे और थर्मोस्टेट पे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब अगर बात करें इसके प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 6900 रुपये के आसपास। ये जो प्राइस मैंने आपको बताई है, ये वीडियो बनाते समय की प्राइस है। हो सकता है कि जब आप वीडियो देख रहे हो तो इसकी जो प्राइस है वो कम या ज़्यादा हो गई हो, या फिर इस पर कोई सेल या ऑफर चल गया हो। तो इसीलिए जितने भी एयर फ्रायर आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ या फिर आपको दिखाने वाला हूँ, सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ पे जाके आप इनकी करंट प्राइसेस को चेक कर सकते हैं, इन पे कोई सेल या ऑफर चल रहा हो तो उसको भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 5 पे है इंस्टेंट पॉट का एयर फ्रायर। मॉडल नंबर है वॉटेक्स। इसमें आपको 6 लीटर की कैपेसिटी मिलती है और इसकी जो पावर कंजप्शन है वो है 1700 वॉट।
इसमें आपको डिजिटल कंट्रोल मिल जाता है, टेम्परेचर कंट्रोल अप टू 230 डिग्री सेल्सियस का देखने को मिल जाता है, और इसमें आपको मिलते हैं 4 प्रीसेट मेन्यू। इसमें आपको मिलती है इवन क्रिस्प टेक्नोलॉजी, और इसमें भी आपको ऑटो शट ऑफ का फीचर देखने को मिल जाता है। इसमें जो आपको फूड बास्केट देखने को मिलती है वो भी एक डिश वॉशर सेफ बास्केट है, और इस पर आपको मिलती है एक साल की कंप्लीट वारंटी। अगर बात करें इसकी प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 9000 रुपए के आसपास। दोस्तों नंबर 4 पे है हैवल्स का ग्रैंडे एयर फ्रायर। इसमें आपको 6.5 लीटर की कैपेसिटी मिलती है, और इसकी जो पावर कंजप्शन है वो है 1700 वॉट। इसमें भी आपको कंप्लीट डिजिटल कंट्रोल देखने को मिल जाता है, टेम्परेचर कंट्रोल अप टू 200 डिग्री सेल्सियस तक का मिलता है, और इसमें आपको मिलते हैं 10 प्रीसेट मेन्यू। एयर फ्राइंग के लिए इसमें आपको मिलती है हेवल्स की एरो क्रिस्प टेक्नोलॉजी, और इसमें आपको ऑटो शट ऑफ का फीचर भी देखने को मिल जाता है। इसमें भी आपको डिश वॉशर सेफ बास्केट मिलती है, और इसमें आपको मिलती है 2 साल की कंप्लीट वारंटी। अगर बात करें इसके प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 9000 रुपए के आसपास। दोस्तों नंबर 3 पे है फिलिप्स एसेंशियल एयर फ्रायर। इसमें आपको मिलती है 4.1 लीटर की कैपेसिटी, और इसमें आपको मिलती है 1400 वाट की पावर कंजप्शन। इसमें भी आपको डिजिटल कंट्रोल मिल जाता है, टेम्परेचर कंट्रोल देखने को मिलता है अप टू 200 डिग्री सेल्सियस तक का, और इसमें आपको मिलते हैं 7 प्रीसेट मेन्यू। इसमें आपको रैपिड एयर टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। दोस्तों फिलिप्स के जो एयर फ्रायर हैं वो बाकी एयर फ्रायर के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे आते हैं, क्योंकि जो फिलिप्स ब्रांड है वो ही एक ऐसा ब्रांड है जो एयर फ्रायर की टेक्नोलॉजी को सबसे पहले इंडिया में लेके आया था। इसमें आपको ऑटो शट ऑफ का फीचर मिल जाता है, और इसमें आपको मिलती है 2 साल की कंप्लीट वारंटी। अब अगर बात करें इसकी प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 8500 रुपए के आसपास। दोस्तों नंबर 2 पे है इनाल्सा का एयर फ्रायर, और ये एक ओटीजी ओवन की तरह भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें आपको 12 लीटर की कैपेसिटी मिलती है, क्योंकि दोस्तों ये एयर फ्रायर भी है और साथ ही साथ एक ओटीजी ओवन का भी काम करेगा, तो कैपेसिटी भी इसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। इसमें जो मैक्सिमम पावर कंजप्शन है वो है 1500 वॉट, और इसमें आप एयर फ्राई, बेक, ग्रिल, रोस्ट, डिहाइड्रेट और रीहीट जैसे फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको टेम्परेचर कंट्रोल मिलता है अप टू 200 डिग्री सेल्सियस तक का, और इसमें आपको 10 प्रीसेट मेन्यू देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको मिलती है ओवरहीट प्रोटेक्शन, और इस पर आपको मिलती है 2 साल की कंप्लीट वारंटी। अब अगर बात करें इसके प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 9000 रुपए के आसपास। दोस्तों नंबर 1 पे है अगारो रेजेंसी एयर फ्रायर। इसमें आपको 12 लीटर की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये एयर फ्रायर भी है और ये भी एक ओटीजी ओवन की तरह काम करेगा। इसमें आपको 1800 वाट की पावर कंजप्शन देखने को मिल जाती है, जो कि मैक्सिमम पावर कंजप्शन है, और इसमें आप एयर फ्रायर, बेक, ग्रिल, रोस्ट, डिहाइड्रेट और रीहीट जैसे फंक्शन यूज कर सकते हैं। इसमें आपको टेम्परेचर कंट्रोल मिलता है अप टू 200 डिग्री सेल्सियस तक का, और इसमें आपको मिलती है 9 प्रीसेट मेन्यू। इसके अंदर आपको अगारो की 360 डिग्री हीट सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जो कि दोस्तों कुछ स्पेशल नहीं है। जैसे बाकी एयर फ्रायर और ओटीजी ओवन के अंदर काम करती हैं चीज़ें, वैसे ही इसमें भी करेंगी। इसमें आपको ओवरहीट प्रोटेक्शन और ऑटो कट ऑफ का फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा फीचर होता है। इसमें आपको मिलती है 2 साल की कंप्लीट वारंटी। और अगर बात करें इसके प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 9000 रुपए के आसपास। और दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो चलेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की किचन रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो में जितने भी एयर फ्रायर मैंने आपको दिखाए हैं उनसे रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और इनको खरीदना है तो इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पर जाके आप इनको खरीद सकते हैं, इनके कस्टमर फीडबैक चेक कर सकते हैं, और इन पे कोई सेल या ऑफर चल रहा हो तो उसको भी चेक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।